तो ये देखिए भाई, हमारी थाली हो चुकी है रेडी। और इस थाली में जो है ना, कबाड़ से जुगाड़ तो नहीं कह सकते लेकिन बासी से जुगाड़ कह सकते हैं। देखिए राजमा जो है वो रात का है, ये कोफ्ते बनाए हैं और ये भी कोफ्ता है, ये चटनी है, हरी मिर्च है, रायता है, और इधर अरबी है, अरबी की सब्जी जो होती है, घुइयाँ की सब्जी है इधर, और ये इधर है राइस। तो आरसिक वैभव की थाली बन गई है कबाड़ से जुगाड़ वाली प्लेट। और इसमें आने वाली है रोटी। एडजस्ट कहाँ पे होगी वैभव? यहाँ पे, यहाँ रोटी एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से तो ये पानी आ गया है, यहाँ पे करेंगे हम रोटी एडजस्ट, ठीक है? ये देखिए, ये कोलियस का प्लांट है और इस पे बहुत ही खूबसूरत सी ये झड़ियाँ आ रही हैं फूलों की। ये देख रहे हैं ना आप, कितने प्यारे से फूल हैं। बट ये जो फूल होते हैं ना, ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी हैं। यानी कि ये फूल जो हैं हमारे पौधे को एंड की तरफ ले जा रहे हैं। अगर मैं इन्हें नहीं निकालूंगी तो ये मेरा पूरा का पूरा पौधा मर जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि इन फूलों की वजह से इन पौधों को मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है? क्योंकि इन्हीं से मैं कटिंग्स बनाती रहती हूं, इन्हीं से अपने पौधों को प्रोपेगेशन करती रहती हूँ। फूलों से बीज तो बनेंगे लेकिन ये कुछ काम नहीं आएंगे, मैंने कभी नहीं उगा के देखा है। बट कटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रोपेगेशन आवर प्लांट। प्रोपेगेट बहुत अच्छे से हो जाता है, कटिंग से इजीली हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप ये काम कीजिए, इसको हटा दीजिए। इससे क्या होगा, बीज तो बन जाएंगे बट ये पौधा मेरा मर जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि ये मर जाए। और ये बीज मैंने कभी उगा के नहीं देखे, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं है इस पर, बिकॉज मैं इस प्लांट की बलि नहीं चढ़ा सकती हूँ। तो ये सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। धूप नीचे तक आ गई है और ये देखिए पूरा मधुमक्खियाँ हैं जो वो जट्रूफा के प्लांट्स पर आ रही हैं, फूलों पर आ रही हैं। बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत से जो है फूलों के बंचेस इस पर लगे हुए हैं जट्रूफा के पे। ये देखिए सारी मेरी कटिंग्स हैं जिनमें फूल आ रहे हैं, और सक्सेसफुल हो चुकी हूँ मैं इसमें, ठीक है भैया? हैं तेरी मक्खन वाली जो मक्कारी देख के ना, तभी वीडियो की व्लॉगिंग करनी शुरू करी है मैंने। ये देखो देखो, इससे चॉपस्टिक से, ये इस वाली इससे ये मक्खन निकाल रहा है भाई साहब, क्योंकि इससे तो निकलेगा नहीं। देखो ये तो चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन इससे देखो कितना घूमेगा। घुमाइए भाई, घुमा, ये देखिए मक्खन निकल जाएगा 10-20 दिन में। दुनिया को मक्खन खिलाऊंगा, हाँ पूरी दुनिया को मक्खन खिलाएंगे भाई साहब। हाय गाइस, क्या कर रहे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छे से हूँ भाई। मैं तो पी रही हूँ चाय, बेईमानी की चाय है। एक बार मैं पहले पी चुकी हूँ, फिर दोबारा से अनिल की अभी मैंने बनाई थी तो मैंने बना ली अपनी। और मैं लेकर आई भुजिया, नमकीन जो होती है ना, नाना जी की है या काका जी की है, हल्दीराम के पता नहीं किसकी है, बट है बहुत यमी लगती है मुझे ये मीठी चाय के साथ। आज मीठी चाय लाई हूँ और फिर लाई हूँ ये नमकीन, मुझे बहुत ही यमी लगती है। इतनी गर्मी में जद्दोजहद करी है भाई साहब ने पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए, तो इसका पनीर दो प्याज़ा तैयार है। बहुत ही मस्त वाली रेसिपी लग रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, गर्मी लग रही है। पहले नहाऊंगी और फिर अभी मत दिखाओ, पहले फाइनल प्रेजेंटेशन में दिखाओ। नहीं अभी तो थोड़ा सा तो दिखाऊंगी, खा दूंगी। अरे रुक जा, ये देखिए अलग से जो है इसमें जो प्याज है वो रोस्ट की जा रही है। इसमें जो ग्रेवी बनाई थी उसमें बहुत सारे मटेरियल डले हैं, बहुत ज़्यादा, और ज़बरदस्त वाला पनीर बन रहा है, बहुत ही यमी। मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि जो इसकी स्मेल जा रही है ना अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो भाई साहब थैंक यू शेफ आर्चिक, थैंक यू सो मच। तो भाई यहाँ रेडी हो चुका है आर्चिक का ऊपर का मसाला, विद जो मक्खन के साथ इसको पकाया गया है, प्याज को रोस्ट नहीं फ्राई किया गया है, राइट? yes. धीमी आंच पर। तो भाई साहब ये देखिए, ओ हो मक्खन ही मक्खन, ये देखिए खोलो मत, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन करने के लिए देखिए इसके ऊपर पनीर डाल दीजिए दो, ठीक है? तो अब जो ये है मक्खन आ रहा है, मक्खन नहीं है दही, अब ये आएगी मलाई, दही, दही, राइट? अब आइए दही, ये देखिए बस 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 बस, ज़्यादा डेकोरेट करोगे तो खराब हो जाएगा। चीज़ डाल सकते हो आप उसमें, बट रहने दो चीज़। तो शेफ का
शक्ल देखिए पसीनों में तर हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। टेस्ट मैंने करके देख लिया, बहुत ही यमी है, बहुत यमी है। अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो आर्चिक किस दिन रेसिपी दे देगा अपने व्लॉग्स में, ठीक है, अपने ही चैनल पे देगा, मैं नहीं दूंगी, राइट? अब इसे करते हैं मिक्स। नहीं, बाद में करियो ना मिक्स, अभी सबको देखने दे पहले। मैं पहले पता, जब रोटी बनाती थी ना तो मैं किसी को रोटी नहीं खाने देती थी, जब तक मेरी रोटी पूरी ना बन जाए, कि सारी ना दिख जाए कि मैंने कितनी रोटी बनाई है, तब तक एक रोटी को भी मैं हाथ नहीं लगाती थी। और ये देखिए, ये पॉलिथिन में जो बंद है ना, हमने ये मंगाई है तंदूरी रोटी बनवा के, अपने घर के आटे की रोटी तंदूर पे बनवाई है। तो अब ये मत सोचिएगा कि पॉलिथिन में रोटी रखते हैं, जी हाँ, हम पॉलिथिन में रख के रोटी खाते हैं। तो भाई साहब, आर्चिक ने जो सब्जी बनाई है ना, वो या तो मैंने रेस्टोरेंट में खाई है, या फिर खाने वाली हूँ आज मैं आर्चिक के हाथ की पनीर दो प्याज़ा। अब उसको टेस्ट करने वाले हैं, कैसा टेस्ट होगा उसका। यहाँ पर भी देखिए कुछ ना कुछ रेसिपी, ये देखिए टिक्की बन रही है भाई साहब, मस्त वाली टिक्की। तो सर, कैसी लगी सब्जी मेरे बेटे की बनाई हुई? टेस्टी है? और आपको कैसी लगी? एक नंबर। चलिए भाई, अब हम टेस्ट कर लेते हैं। मुंह में पानी आ रहा, रुका नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी से नहा के आ गई हूँ सब्जी की वजह से, क्योंकि मुंह में पानी आए जा रहा है। तो ये है हमारी सब्जी, और ये देखिए ये है पनीर दो प्याज़ा, बहुत ही यमी सी सब्जी है। ये आर्चिक ने बनाई है, और ये मैंने बनाई है मिक्स वेज मैंने, और ये दही, और ये है हमारी तंदूरी रोटी। तो चलिए भाई, भोजन को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं हम पनीर वाली सब्जी। मस्त सब्जी, मस्त हरकत, बकवास एकदम। अर्ची, ये बर्तन रख दे बेटा। अरे ये वाली बर्तन देखिए, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है ना ये। ये वाले बर्तन रखने हैं क्या? हाँ, इसके हाथ डर्टी डर्टी हो जाएंगे। इसे इंग्लिश फ्लो बहुत अच्छा है। एक कर रहे हो को क्या बोले? कर रहे हो, क्या बोले वो? कर रहे हो। देखो इंग्लिश फ्लो। धूल के कण हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो सस्ते पेट्रोल ब्लास्ट है, तो हम करीब करीब 500 मीटर की दूरी पर हैं। जो आपको वो तस्वीर दिखाएगी जो कहीं और आप नहीं देख। और हमारे संवाददाता आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये दिखाने ट्विन टावर का डिमोलिशन होने जा रहा है। तो ये देखिए, दो ट्विन टावर खड़े हैं यहाँ पे। इनकी जो दूरी होनी चाहिए बिल्डिंग्स की, वो होनी चाहिए 16 मीटर, बट इनकी है 9 मीटर। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली, तो ये सहूल नहीं है, पर ये काफी सही आस पास के घर वालों के लिए, जिन्हें काफी अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पे लगे पड़े हैं, आपको बता देंगे। लेकिन हमारी है चित्रा त्रिपाठी, आपके अंडर काम करती है, दिहाड़ी पे लगे पड़ी है हमारे पास। तो चित्रा त्रिपाठी जो है वो इनकी दिहाड़ी पे काम करती है, आज हमने इन्हें यहाँ भेज दिया है, ठीक है? तो आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। एंड तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप और कुछ कहना? अगर आपको जल्दी से जल्दी अपडेट चाहिए, 9 सेकंड में गिर जाएगी, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तो 8 सेकंड में गिर जाएगी। भाई साहब, इनका खात्मा होने वाला, खात्मा। अब तो कैमरे वाले भी हिला नहीं रहे कैमरे को, देखो। हाँ। गिराओ भाई, गिराओ।
हाँ उसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी, तो धराशायी हो चुकी है बिल्डिंग सर। लेकिन धुएं का जो गुबार है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। हाँ